नमस्कार दोस्तों, कार्ड इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो कार्ड है वो हमारे फ्रेंड का है, उसने कार्ड टू कार्ड बेस पे एक कार्ड एजेंट के जरिए अप्लाई किया था और उसको कार्ड रिसीव भी हो गया। आज हम इस कार्ड की अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। साथ में यदि आपने HDFC बैंक का 1500 वाला अमेज़ॉन वाउचर कैसे रिसीव होता है, कैसे आपको मिल सकता है, वो वीडियो नहीं देखा तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिसके कारण आप यदि कभी भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपये का एक अमेज़ॉन का वाउचर मिल सकता है। लेकिन आप एजेंट के जरिए जब भी कार्ड अप्लाई करते हैं तो 1500 का वाउचर आपको नहीं मिलता। इस कार्ड की अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस कार्ड के साथ हमें मिला है। बैंक की ओर से हमें ये कार्ड का पैकेट रिसीव हुआ, उस पे लिखा HDFC बैंक मिलेनियर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे हमने उसको पहले ही ब्रेक कर लिया था। देखते हैं क्या क्या मिलता है इनके साथ। यहाँ पे सबसे पहले मिलेनिया लिखा हुआ है, जहाँ पर हमारा एड्रेस है। कुछ टर्म एंड कंडीशन वाली बुकलेट है जो आपको इस कार्ड को यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें उसके जो भी कार्ड के जो चार्ज है वहाँ पे लिखा हुआ होता है। लेकिन आजकल ये जो गाइड है वो कोई भी नहीं पढ़ता और पढ़ना चाहता भी नहीं। और देखते हैं क्या इसके साथ और मिलता है हमें। एक छोटी सी बुकलेट ही बैंक ने हमें प्रोवाइड कर दी है। इसके मुकाबले दूसरे बैंकों का जो भी कार्ड आता है वहाँ पे सिर्फ हमें क्रेडिट कार्ड और एक वेलकम लेटर ही मिलता है। लेकिन HDFC बैंक की तरफ से आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी सी बुकलेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ पे भी ये लिखा है कौन कौन से जो कार्ड है उसकी कितनी फीस लगती है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेड टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है। यदि आपने एक बार पढ़ ली तो आपको कार्ड यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा जो आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो हमें कार्ड की डिटेल तो मालूम है, तो हमें ये जो कंडीशन है वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसको साइड में रख देते हैं। ये दूसरा पेपर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें HDFC बैंक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड गाइड यहाँ पे दिए गए है, जिससे हम कॉन्टेक्टलेस कुछ 5000 का कॉन्टेक्टलेस पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हमें कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ मशीन पे टैप करना पड़ेगा, वहाँ से हमारा पेमेंट हो जाएगा। इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दूसरा जो पेम्पलेट है वहाँ पे हम किस तरह से क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, ये डिटेल यहाँ पे हमें दी गई है। एक तो हम कस्टमर केयर में कॉल करके भी पिन जनरेट कर सकते हैं, या तो नेट बैंकिंग के जरिए, या तो मोबाइल बैंकिंग के जरिए, या तो हम HDFC का कोई भी ATM हो वहाँ पे जाके भी हम इस क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। ये जो डिटेल है हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। आगे हमें मेन पेज मिलता है, जहाँ पे बड़े से अक्षर में मिलेनियर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड का नंबर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे हमें 75,000 की यहाँ पे हमें लिमिट मिली है। यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बुक माई शो, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबेर, जोमेटो, इसमें से किसी भी जगह आप स्पेंड करते हैं तो आपको 5000 का कैशबैक मिलेगा। अदर किसी भी जगह आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको माइलस्टोन रिवॉर्ड भी मिलता है। पर क्वार्टर आप 1,00,000 से ज़्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपको 1000 का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिलता है। 1 साल में आप 4 बार ये वो वाउचर को ले सकते हैं। ये जो आप कार्ड देख, ये यहाँ पे हमारा कार्ड लिखा हुआ है। हमें जो कार्ड मिला है वो डाइनर क्लब वाला मिला है। हमें यह था कि वहाँ में वीज़ा का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गेटवे डाइनर क्लब वाला है। तो यहाँ पे हम अपने कार्ड को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कार्ड का जो पूरी जो डिटेल है वो पीछे की ओर दी गई है। यहाँ कार्ड पे सिर्फ आपको अपना आपका नाम, कार्ड की ब्रांडिंग और जो गेटवे है डाइनर क्लब वाला, वो आपको यहाँ पे दिखाई
दे रहा है। तो इस प्रकार ये जो कार्ड है वो HDFC बैंक की तरफ से जो अभी तक का सबसे बढ़िया कैशबैक देने वाला क्रेडिट कार्ड। साथ में इस कार्ड के साथ आपको 8 डोमेस्टिक लॉज एक्सेस भी यहाँ पे मिल जाता है। पर क्वार्टर आप 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉज एक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कार्ड है वो HDFC बैंक की तरफ से बढ़िया है। साथ में इसके साथ आपको 1000 की ज्वाइनिंग फीस भी देनी पड़ेगी। यदि आपको ज्वाइनिंग फी देते हैं तो साथ में आपको 1000 कैश बैक पॉइंट भी मिल जाए। एक कैश बैक पॉइंट की प्राइस 1 रुपीस रहेगी। तो इस तरह से आपको ये कार्ड फ्री में ही मिल जाता है। साथ में यदि 1 साल में आप 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करते तो इस कार्ड पर लगने वाली जो एनुअल फी है वो भी वेवर हो जाती है। आपके पास 500 से ज़्यादा कैशबैक पॉइंट हो तो आप उसको स्टेटमेंट बिल में भी आप रिडीम करा सकते हैं। तो इसी प्रकार के ऑफर के बारे में, इसी प्रकार के कार्ड के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, नए ऑफर के साथ, नए कार्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।